आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक पहुंचे थाने, सबकी एक ही चिंता, कब मिलेगी राशि। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी निवेशक साथियों का हमारे स्टी न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए भास्कर नेटवर्क में 23 अक्टूबर 2019 की ये लेटेस्ट न्यूज़ सुनाने से पहले दोस्तों आपसे हमारा आग्रह है कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंच सके सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि बड़ी न्यूज़ क्या है। भास्कर संवाददाता द्वारा बहवाड़ा आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपने निवेशकों व खाताधारकों द्वारा जमा की गई रकम लौटाने में जानकारी करने पर कंवर कॉलोनी निवासी अधिवक्ता अंजलि गुप्ता ने 2 जुलाई 2019 बहवाड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह प्रकरण बहवा न्यायालय में विचाराधीन है। मंगलवार को आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एमडी राहुल पिता वीरेंद्र मोदी 32 वर्ष निवासी आदर्श नगर सिरोही राजस्थान व हाल मुकाम अहमदाबाद को बहवाड़ा न्यायालय में पेश किया गया। बहवाड़ा पुलिस ने न्यायालय में समक्ष पीआर की मांग की थी जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने बुधवार तक की पीआर दी है। फरियादी के साथ ही नगर में सैकड़ों उपभोक्ताओं की अनुमति 20 करोड़ से भी अधिक राशि अटकी हुई है। जहां दोस्तों अनुमानित है कि 20,000 करोड़ से भी ज्यादा की राशि निवेशकों की अटकी हुई है। इस संबंध में पुलिस राहुल से पूछताछ करेगी। बुधवार को फिर से राहुल को न्यायालय में समक्ष पेश किया जाएगा। सोसाइटी के एमडी के बहवाड़ पहुंचने की जानकारी निवेशकों व खाता धारकों को लगी। वे पुलिस थाने के सामने एकत्रित होकर होने शुरू हो गए थे। उन्होंने बताया कि वर्षों की हमारी जमा पूंजी हमने सोसाइटी में निवेश की थी, पिछले 8 माह से भी अधिक समय से यह राशि अटकी हुई है। हमें जानना है कि हमारी राशि कब मिलेगी। तो दोस्तों ये बड़ी न्यूज़ आपको एस टी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर अगर आपको